इज अ मैजिकल टाइम ऑफ द ईयर फुल ऑफ फेस्टिविटीज क्रिसमस एंड न्यू ईयर सो लेट अस ऑल्सो क्रिएट मैजिक विद आवर होल व्हीट डेकेडेंट रिच हेवनली एंड फुल ऑफ अरोमा एंड टेस्ट आवर होल व्हीट क्रिसमस फ्रूट केक लेट गेट स्टार्टेड हेलो लेट अस फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद द सोकिंग हम सोक कर लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स इसे हेल्दी बनाने के लिए हम चीनी नहीं ले रहे ये मैंने गुड़ लिया है चॉप्ड गुड़ है ये मेजरमेंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और ये है गरम पानी अब इसे हम स्टर करके अच्छे से डिसॉल्व करेंगे इसमें डाल रहे हैं हम फ्रेश ऑरेंज जूस अगर अवेलेबल ना हो पाए तो आप पैक्ड भी ले सकते हैं इसे स्टर करके हम डिसॉल्व कर लेंगे अब ये मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे डेट्स चॉप डेट्स हैं जो मैंने कट करके सीड्स निकाल दिए हैं ये फिक्स है अंजीर चॉप अंजीर ये किशमिश कैनबेरीज ब्लूबेरीज एंड ये किड स्पेशल टूटी फ्रूटी अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस मिक्स जिसमें है सिनेमन नटमेग और जिंजर पाउडर सारे मिक्स कर रखे हैं मैं वो डाल रही हूँ थोड़ा सा नटमेग है मेरे पास ऑप्शनल है आपने पाउडर डाल दिया है मैं इसे थोड़ा सा घस कर डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक भी हम हल्का सा कद्दूकस करके डालेंगे तो थोड़ा क्योंकि हम कम सोक कर रहे हैं तो थोड़ा रिच फ्लेवर के लिए बिल्कुल हल्का सा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश जेस्ट ऑफ एन ऑरेंज इसका वाइट पार्ट नहीं लेना है सिर्फ ऑरेंज पार्ट ऊपर का लेंगे ट्रेडिशनली तो लोग इसे 4-5 months पहले सोक करते हैं रम में सोक करते हैं फॉर दैट इंटेंस फ्लेवर हम मैजिक क्रिएट कर रहे हैं जल्दी बना रहे हैं इसलिए हम आप चाहे तो ओवरनाइट सोक कर सकते हैं नहीं तो 1 hour मिनिमम 1 hour तो सोक ज़रूर कीजिए ये मेरा गुनगुना दूध है थोड़ा गुनगुना दूध लेंगे हम और इसमें फ्रेश कर्ड ऐड कर देंगे इसे डिसॉल्व कर लेंगे ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है बटर मिल्क हमारे केक को मॉइस्ट बनाएगा क्योंकि हम इसके अंदर एग ऐड नहीं कर रहे हैं अब हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं ये एक 7 inch का मैंने टिन लिया है अब हम इसके नीचे के लिए मैंने पार्चमेंट पेपर बटर पेपर कुछ भी हो वो इसके मेजरमेंट के हिसाब से नीचे के लिए काट लिया है और मैंने साइड में भी हम इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाएंगे वो मैंने मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा और काट लिया है ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्रिसमस केक जो है होल व्हीट है और हम इसे लॉन्गर टाइम के लिए बेक करेंगे ताकि हमारा केक कहीं से भी बर्न नहीं हो अब हम इसे ऑयल लगाकर सेट कर लेते हैं सेट कर लें अब इसे हम अलग रख देते हैं ये बाद में लगाएंगे अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करते हैं सीव करेंगे ताकि अच्छे से कोई भी लंप ना रहे हमारे मिक्सचर में ये हमने अपना होल व्हीट आटा ले लिया है थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर पिंच ऑफ सॉल्ट और कोको पाउडर दिस इज ऑप्शनल कोको पाउडर आई प्रेफर एडिंग इट इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ अब हमने जो सीव किया था उसमें हम अपने नट्स डाल रहे हैं ये है पिस्ताचियो चॉप्ड है आलमंड्स वॉलनट्स और कैशियो ये हम अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि ये सिंक ना हो अब अगर आप अपना केक
कुकर या कढ़ाई में बना रहे हैं, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक उसमें मैंने दिया हुआ है। और अगर आप अपनी ओटीजी में बना रहे हैं तो उसे भी अभी प्रीहीट कर लीजिए। अभी देखिए, ये मेरे ड्राइड फ्रूट्स जो मैंने सोक किए थे, इट हैज़ बीन 4 आवर्स, 4 घंटे हो चुके हैं, ये सॉफ्ट और मशी लग रहे हैं। अब इसे मैं बिग बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो पूरा इकट्ठे नहीं डालेंगे, बैचेस में डालेंगे और स्टर करेंगे। हमें ओवर स्टर नहीं करना है, हम तब तक ही स्टर करेंगे सारा मिक्सचर कि ड्राई फ्लो हमें दिखना बंद ना हो जाए। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर ऐड कर सकते हैं, बट ऑयल विल गिव मोर सॉफ्टनेस टू द केक। अब इसमें हम ग्रेजुअली जो बटर मिल्क हमने रेडी किया था उसे पोर करते जाएंगे। केक का बैटर थोड़ा थिकर साइड में होगा। ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, अदरवाइज इसमें खुद में ही वैसे इतनी अरोमा है। अब हमारा केक बैटर रेडी है। अब बिना डिले के हम अपने केक टिन में से डालेंगे और बेक करेंगे। अब ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है इसे साइड में हल्का हल्का लगा देंगे ताकि हमारा पेपर अच्छे से स्टिक ऑन हो जाए जो साइड का हमने काटा है। यू कैन सी आवर केक टिन इज रेडी। अब हम इसमें अपना मिक्सचर पोर करेंगे। अब इसे अपने स्पैचुला से या स्पून से हल्का सा ऊपर से हम स्मूथ कर लेंगे और डेकोरेटिंग इज ऑप्शनल, बेक होने के लिए रख देंगे विदाउट डिले। दिस इज आवर फ्रेशली बेक्ड क्रिसमस फ्रूट केक। मेरे केक को बनने में 1 घंटा लगा है। ईच ओवन इज डिफरेंट, ईच फ्लावर इज डिफरेंट, सो बेकिंग में थोड़ा टाइम वेरिएशन हो सकता है। प्लीज डू कीप चेकिंग इन बिटवीन एंड इट इज स्मेलिंग डिवाइन। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके कूल होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे डिमोल्ड करेंगे। Our cake has cooled down. Now we are going to demold. Now see the magic. Let's unwrap this magic.